आगे प्रश्न आया तो पैसे ना कमाए, तो क्योंकि पैसे तो कमाने हैं, क्यों? बालक बच्चे के कपड़े कहाँ से आएंगे, लड़की जब ब्याह लायक हो जाएगी तो वो 10 लाख लगेंगे, कहाँ से लाओगे? पैसा भी कमाना है लेकिन कितना? अर्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। अर्थ उतना कमाओ जिसने कामनाएं पूर्ति हो जाए। इतना धन तो तुम्हें कमाना ही चाहिए कि जिससे तुम्हारी कामनाएं माने 2 समय की अच्छी सब्जी और रोटी खा सको कम से कम। तुलसीदास कबीरदास जी कहते कि साईं इतना दीजिए, कितना? जामे कुटुंब समाय, जिससे मेरे परिवार का पालन बहुत अच्छी तरह हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई अतिथि आ जाए वो भी भूखा ना जाए, इतना परमात्मा हमें देते रहो। कौन कह रहे हैं? इस ये जो दोहा लिखा गया है बिल्कुल इसी भागवत के श्लोक के 2 चरणों का अर्थ लिखा गया है। धर्मस्य नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म केवल धन केवल धर्म कमाने के लिए होना चाहिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब कहा कि ये बताओ तो कामनाएं, अगला स्टेप आ गया, तो कामनाएं कितनी होनी चाहिए, कितनी कामनाएं करोगे, इसका भी सुन लो। लिखा है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत आवता। एक बात बताओ, पढ़ी लिखी तुम लक्ष्मी सिंह जी, ये बताओ जीवन इच्छाओं की पूर्ति से अच्छा चलता है या आवश्यकताओं की पूर्ति से? तुम्हारे हिसाब से नो कमेंट। माताजी तुम क्या कह रही हो? नो कमेंट है, बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति से यदि तुम अपना जीवन चलाओगे कभी भी दुखी नहीं होगे, इच्छाओं की पूर्ति से जीवन चलाओगे कभी भी शांति से बैठ नहीं सकते हो। मालूम है क्यों? क्योंकि आवश्यकताएं तुम्हारी निश्चित हैं, ठीक है, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आज तुम्हारे पास साइकिल ना हो तो हे भगवान, साइकिल होती तो कितना बढ़िया, कॉलेज जाने में कितना अच्छा लगता, और ये है कि नहीं है? जैसे तैसे माता पिता ने तुम्हें साइकिल दिला दी, ठीक है, हो गया। अब साइकिल से गए, अब बगल वाली देखी क्लासमेट को, वो आती स्कूटी से, अरे 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 हमारी तो इज्जत कट गई, अरे राम राम, वो स्कूटी से मैं साइकिल से, अब तुम्हारी फिर इच्छा बढ़ी क्या? अरे भगवान, कम से कम स्कूटी तो होती तो हम कम से कम इनके स्टैंडर्ड में तो आ जाते, बराबर में तो आ जाते। माता पिता ने जैसे EMI पे जैसे तैसे करके तुम्हें स्कूटी दिला दी। अब स्कूटी दिलाने के बाद, क्योंकि कॉलेज में हो तो ध्यान रखो नीचे से लेके ऊपर तक का सारा विद्यार्थी होता है कि नहीं? फिर एक देखी अगले क्लास में जैसे ही गए, 6 महीना स्कूटी नहीं चली, अगले क्लास में गए तो एक कोई बहुत बड़े घर की आई तो वे 4-व्हीलर थे और ड्राइवर को साथ लेके आ गई। अब सोचने लग गए कि इनके बराबर बैठना है तो इनके ही जैसा होना चाहिए, तो आप गाड़ी के लिए जिद कर ली। मान लो बाई चांस नहीं हैसियत है तो मन में हृदय में दुख होगा, और हैसियत है तो तुमने खरीद ली, पता लगा कि तुम्हारी 4-व्हीलर आ गई, चला के ले गई, कोई बात नहीं। अब जैसे ही अगला महीना आया तो जो तुम्हारी पड़ोस की जो साथ की क्लासमेट थी उसने अब की बार BMW वाली ब्रांड की ले ली कार। अभी तक तुम्हारे पास टाटा की थी और उसने BMW की ले ली, अब तुम्हारे फिर जलन हुई, तो कहाँ रुकोगे जाके ये बताइए,
कहीं नहीं। और यदि तुम्हें आवश्यकता है, 2 किलोमीटर तुम्हें पढ़ने जाना है, तुम्हें आवश्यकता की पूर्ति करनी है, तो साइकिल आने के बाद तुम्हें किसी भी बात की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों? 2 किलोमीटर है, 4 बार पहिया घुमा पहुंच गए कॉलेज, सच है कि नहीं? यदि आवश्यकता के हिसाब से जियोगे तो तुम्हें जितना मिला है वही तुम्हें ज्यादा दिखेगा, और इच्छाओं से जियोगे कितना भी दिया जाए तुम्हें कभी भी उसकी पूर्ति, बाजार में गई ठीक है, तुम्हें एक वो खटखटाते हुए मिल गया, वो गोल गोल सी जिसमें उंगली कूंच के उसमें पानी भर भर के पिलाता है, क्या कहते उसे, हाँ तुमने वो देख करके तुम्हारे मुंह में पानी आ गया, तुम क्या करोगी, तुरंत 10 रुपए दिए, लो हमें भी दे दो, क्योंकि मुंह में लार टपक रही है भाई, अब तो चाहिए है, तुमने बैठ के खा लिए, धर के दोना में एक दोना उसने फिर पानी ऊपर से डाला और पी गए, ठीक है कोई बात नहीं। ये बताइए, आज तुमने इच्छा को मार लिया गोल गप्पे खा के, कल का जब दिन होगा बाजार में जाओगे तो क्या भल्ले पापड़ी को देख के तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, ये गारंटी कौन लेगा बताओ, कोई ले सकता है, नहीं ले पाएगा। क्यों? इच्छाएं को जितना फैलाते जाओगे कभी भी अंत नहीं होगा, आवश्यकताएं तुम्हारी निश्चित हैं। तुम्हारे ढंग के यदि 3 कपड़े हों, ढंग के एक नित्य पहनने के लिए और एक नीम का थाना जाने के लिए और एक अपने बुआ के यहाँ ब्याह में जाने के लिए, भैया के ब्याह में, तो तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई पूरी कि नहीं? लेकिन इच्छाओं पर यदि आओगे तो प्रत्येक दिन लेटेस्ट पीस निकल रहा है, निकल रहा कि नहीं, तो हर रोज तुम एक नया सेट खरीद के लाओगे तो अगले ही दिन वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तुरंत एक फ्रेंड लेटेस्ट आ गया, कहाँ रुकोगे जाके। तो यहां पर कहा है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कामनाएं कितनी होनी चाहिए, न इंद्रिय प्रीति, इंद्रियों को तृप्त करने की कामनाएं मत करो, क्यों, वे कभी नहीं तृप्त होंगी। लाभ हो जीवेत यावता, जिससे तुम्हारा जीवन अच्छा चल जाए उसकी कामना करो। एक बात बताओ, तुम घर में हो, तुम्हें बढ़िया बढ़िया चूल्हे की हाथ की बनी मोटी मोटी रोटी अच्छी पकी पकाई, उसमें 100 ग्राम घी और 1 कटोरा सब्जी तुम्हें मिल जाए, और एक जगह बैठ करके चकाचक पालो घी लगी रोटी, तुम्हारी पूर्ति हो गई कि नहीं? क्योंकि तुम्हारी वो आवश्यकता है, ये इच्छा नहीं है, आवश्यकता है, भोजन चाहिए भाई। लेकिन अगर जो तुम बाजार पहुंच जाओ, गोलगप्पे चाट लो, चाट खा लो, थोड़ी कचौड़ी खा लो, थोड़ा ये खा लो, पेट भर जाएगा नहीं भरेगा, समझ गए? और अगर जो तुमने एक बार घी लगी रोटी खा ली, तुम दुनिया में घूम के आ जाओ, पेट भरा है, तुम्हें किसी भी चीज को देख करके इच्छा नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। यदि तुम्हारी इंद्रियां स्थिर हैं, जीव तुम्हारी नहीं देख के लपलपाती है, तो जान लीजिए कहीं भी चले जाओ आपके मन विचलित नहीं होगा। अब अगर जो तुम्हारी जीव ही कहे कि नहीं हो, एक माता जी थी कम से कम 50 रसगुल्ला खा गई, अब इन्हें रख दो, अभी थोड़ी देर में समय नहीं है, बाद में आके खा लेंगे, ले ओ 50 खा गई अभी बाकी रह गए, तो कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कामनाएं वे जो इंद्रियों को तृप्त करें, ये कभी गलती से मत करना, क्योंकि इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं होती हैं। लाभ हो जीवेत यावता, जिससे जीवन चलता रहे, इसके लिए तुम्हें कामना करनी है। तो पूछा फिर जीवन किस लिए चलाना है भाई, जिंदा हो ना आप सब लोग, क्यों हो, खाओ पियो राधे राधे बस भाई, जीवन का कुछ लक्ष्य होगा ना, जैसे धर्म का लक्ष्य मोक्ष है, धन का लक्ष्य तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति, कामनाएं तुम्हारे जीवन को चलाती रहे, तो जीवन क्यों चलाना भाई, इसका भी कोई लक्ष्य होगा। तो का जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का असली लक्ष्य ये होता है कि तत्व को पहचाने, तत्व क्या है कि आया है तू कहां से और फिर जाएगा कहां,
इतना ही मन विचार लो, बस हो गया भजन। यही तत्व है। और संसार में ये तो तुम्हें पता है कि कुछ भी इकट्ठे करो सब यही रह जाना। जो कर्म करोगे वही इसी बात का पर्दाफाश करना है, यही समझना है। इसी को कहते तत्व जिज्ञासा। कबीरदास जी कहते तत्व की जिज्ञासा के लिए कि पर्दाफाश जिस समय हो गया तो क्या है, फिर तुम्हें तो क्या क्या दिखने लगेगा। तो कहने लगे कि घूंघट के पट खोल री तोए पिया मिले, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिले, घूंघट के घूंघट का पर्दा क्या है मालूम है? घूंघट का पर्दा ये है, जो दिख रहा है वही सच मान लेते हैं। जबकि सच ये है कि जो दिख रहा है ये सब का सब नकली दिख रहा, असली तो कुछ और है। और जब वो वाला पर्दा हट जाएगा कि ये नकली दिखने का पर्दा जब दिमाग से हट जाएगा तो असली को फिर वही पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खो और घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, घट घट रमता राम लिए, क्योंकि प्रत्येक घट के अंदर वो परमात्मा है। तो ऐसा कुछ न बोला जाए कि उस परमात्मा को दुख हो। इसीलिए कटुक बचन मत बोले रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे, हाँ घूंघट के पट खोल, घूंघट के कहते कबीर सुनो कबीर, बाजे अनहद ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे, बाजे अनहद ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिले। कहने का तात्पर्य यही समझ लो कि प्रत्येक घट के अंदर परमात्मा रहता है और किसी को ऐसा नहीं व्यवहार करना है कि उस बैठे परमात्मा को कष्ट हो जाए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में कहा गया है कि सुनो, आपके जीवन का असली लक्ष्य यही है कि परमात्मा को जान लो, यही जीवन का तत्व है। और यही जीवन के तत्व को जो समझ गया, उसी का जीवन सफल है। नहीं तो कुत्ते भी जन्म लेते हैं और गधे भी जन्म लेते हैं। इनके जीवन का लक्ष्य क्या है? खाओ पियो, भूख मिटाओ, सो, बस, तीसरा कुछ नहीं। तो यदि ये समझ जाता है कोई, तो बस यही जीवन का असली लक्ष्य है। और यही मनुष्य और पशु में अंतर कर देता है। जो लक्ष्य को पहचान लेता है वही मनुष्य है, और जो केवल जीवन जीता है वो पशु है। वो चाहे दोपहर का हो, चाहे बढ़िया बोलने वाला हो, चाहे भौंकने वाला हो, पशु वही है। जो अपने असली लक्ष्य को ना पहचान सके वो पशु है, और जो अपने असली लक्ष्य को पहचान मात्र वही मनुष्य है। तो जीवस्त तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, हजारों कर्म करते रहो, जीवन खपा दो, सारा समय निकाल दो, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये भी है, करना ये भी है, लेकिन इसी में ही नहीं लगे रहना है, आगे की भी तैयारी करनी है। वो क्या है? जीवस्त तत्व जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा को जानो, और जान करके फिर जीवन को संभाल करके फिर अपना सब करते रहो। बोलिए गोविंद भगवान की जय।